हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ एक्स बी डिफाइंड इन क्लोज ब्रैकेट -2 से लेके 2 क्लोज ब्रैकेट बाय एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू है, जब मैक्सिमम वैल्यू √4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन √x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इस इंटरवल में लाई कर रहा है जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, और मिनिमम वैल्यू है जब अपना √4 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉमा x1 प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स लाइक कर रहा है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अपन को जो है ना इस फंक्शन में बताना है कितने पॉइंट पे कंटिन्यूस है, डिफ्रेंसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन में बताने हैं कौन से करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों अपन देखें तो अपना पहला जो दे रखा है इसको मान लेते हैं ये y1 फंक्शन दे रखा है, और इसको मान लेते हैं y2 फंक्शन दे रखा है। तो y1 इक्वल टू दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपना y2 फंक्शन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो इसका डोमेन जो है ना डोमेन बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है ना। और इसका डोमेन देखें तो इसका डोमेन क्लोज ब्रैकेट -2 से लेकर 2 होगा, ठीक है ना। तो अपन इस बीच में इसका ग्राफ बनाए, तो ये अपना जो है ना ये दे रखा है y1 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये एक सर्कल है, सर्कल है लेकिन ये बस अपर वाला पार्ट होगा। तो इसका ग्राफ अगर अपन बनाए तो ये अपना -2 होगा, ये अपना -2 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो इसका ऐसा कुछ ये अपना बनेगा। अब अपन इसका अगर ग्राफ बनाए तो 0 पे 1 आ रहा है, 0 यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है ना, 0, 2। ठीक है ना, 0 पे तो 1 होगा और 2 पे ये आ जाएगा √5 के बराबर। तो ये यहाँ पे कहीं √5 लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से ना बनेगा, ठीक है ना। बच्चों अपन यहाँ पे देखें तो अपन जो है ना अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला केस बोला है मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम अपन को चाहिए। तो मैक्सिमम देखे तो -2 से लेके 0 में तो मैक्सिमम पहला अपना ये हो गया, ये अपना जो है ना मैक्सिमम आ रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये अपना पहला जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ का जो मैक्सिमम आ रहा है दोनों इस दोनों में से ये मैक्सिमम है और यहाँ इस दोनों में से ये मैक्सिमम है। तो ये पहले इंटरवल में ये अपना ग्राफ हो जाएगा फाइनल ग्राफ, ठीक है ना। अब दूसरे इंटरवल में मिनिमम बोला है तो मिनिमम के लिए अपन इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो इसमें ये अपना मिनिमम आ रहा है, ये इन दोनों में अपन कंपेयर करें तो ये अपना मिनिमम पॉइंट आ रहा है, ये अपना मिनिमम पॉइंट आ रहा है, और इन दोनों में कंपेयर करें तो ये अपना मिनिमम पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ का ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन देखें तो फाइनल ग्राफ बनाए तो फाइनल ग्राफ अपना ये अपना 1 है और ये अपना 2 है, ये अपना √5 है और यहाँ पे ये अपना 2 है माइनस का 2, 0 और ये अपना 2, 0। फाइनल ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा फिर ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये क्लोज बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे अपना ओपन रहेगा और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये अपना डाउन हो जाएगा। तो ये अपना एफ एक्स का ग्राफ बन गया। तो अब बच्चों यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट पे ये डिसकन्टिन्यूस है, ठीक है ना, एफ ऑफ ज़ीरो पे एफ एक्स इज डिसकन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक ही पॉइंट पे ये डिसकन्टिन्यूस है। और अपना डिफेंसिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आ रहा है और ये यहाँ पे डिसकन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे अपना डिफेंसिबिलिटी नहीं होगा। और यहाँ पे भी अपना एक शार्प पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे भी डिफेंसिबिलिटी नहीं है। तो थ्री पॉइंट एफ एक्स इज नॉट डिफेंसिबल। अपने
तीन पॉइंट पे जो है ना ये डिफेंसेबल नहीं है एफ एक्स, ठीक है ना। तो अपन देखे तो पहला ऑप्शन में देखा है एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट, ये तो गलत है, जीरो पे अपना कंटिन्यूस नहीं है, तो ये पहला तो गलत हो गया। एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट नॉट कंटिन्यूस एट मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है, तो ये भी अपना गलत हो गया। एफ एक्स इज़ नॉट डिफेंसिबल ओनली एट वन पॉइंट, यहाँ देखे तो तीन पॉइंट आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। एफ एक्स इज नॉट डिफेंसिबल एट मोर देन वन पॉइंट, तो मोर देन वन तो आ रहा है, यहाँ पे नॉट तीन पॉइंट आ रहे हैं, तो वो तो वन से बड़ा ही है, तो यहाँ पे देखे तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।